बात करेंगे मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की। जी हां, आज वोटिंग डाली जाएगी, सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पेट्रोलिंग पार्टी भी कुढ़नी उपचुनाव के दौरान तैनात किए गए हैं। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। कुढ़नी में बीजेपी और जेडीयू में सीधी टक्कर है। वैसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और ओबीसी की पार्टी आईएमआईएम के प्रत्याशी भी जोर लगाए हुए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज वोट डाले जाएंगे। कुढ़नी में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीधी टक्कर, कुढ़नी उपचुनाव का ये जंग, आज वोटिंग और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां तैयार, 320 बूथ पर कड़ी सुरक्षा। सोमवार को कुढ़नी विधानसभा के लिए उपचुनाव है। उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुढ़नी में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि सीधा टक्कर महागठबंधन। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता के बीच है। कुढ़नी उपचुनाव के लिए 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 43 बूथ संवेदनशील है। 10 बूथों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रविवार को पोलिंग पार्टियों को अपने अपने बूथ के लिए रवाना किया गया। कुढ़नी उपचुनाव के दौरान इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाइक की QRT टीम हर 10 किलोमीटर पर तैनात रहेगी, जिसका काम पेट्रोलिंग और अन्य जगहों पर जांच की होगी। वहीं किसी भी तरह की परेशानी होने पर ये रेस्पॉन्ड करेगी और इसके साथ ही दिए गए SOP का पालन भी करेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स एवं सभी को जानकारी इसकी दी गई है और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उस दौरान जो प्रशिक्षण आपको उपलब्ध कराया है, आप लोगों ने बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आप सभी हर एक प्रक्रम से भली भांति अवगत है कि किस तरह से हमको सुचितापूर्ण सफाई के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ इस सिलेक्शन को संपन्न कराना है। कुढ़नी विधानसभा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साझा चुनाव प्रचार कर चुके हैं। नीतीश लालू के साथ आने के बाद महागठबंधन के बदलते स्वरूप और समीकरण को लेकर ये चुनाव बेहद अहम है। हालांकि बीजेपी हर हाल में कुढ़नी में जीत दर्ज करने के लिए जोर लगा रही है। सभी पार्टियों के पास काडर मतदाता है, इसमें सभी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। VIP और AIMIM के मैदान में होने से कुढ़नी चुनाव बेहद ही रोचक हो गया है। मणितोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।